सेकेंड यूनिट पर्सनल मैनेजमेंट, फर्स्ट टॉपिक एफ एम फंक्शनल मैनेजमेंट। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया था, देखो डिस्कस मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी ऑफ ह्यूमंस फॉर ह्यूमन एंड मैनेज बाय ह्यूमंस। ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है? इंसान, और मैनेज भी कौन करता है उसको? इंसान। पर्सनल मैनेजमेंट में भी डिफाइंड ऐसे प्रोसेस। अब क्या होता है इसमें? पहले तो सिलेक्शन, लोकेशन ढूंढना और उसको उस जगह पे रखना, यूटिलाइजेशन उसका यूज करना, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉय को डेवलप डेवलप करना मतलब ट्रेनिंग। मीनिंग ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मीन्स द एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ वर्कर्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स टू हैव बीन एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या? मींस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स, दूसरों के साथ में काम निकलवाना है, उसको मैनेजमेंट। इसका मतलब पर्सनल मैनेजमेंट हैज टू ऑब्टेन मोस्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी अपने एम्प्लॉय के पास से हमको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाना जिससे हम अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। अब डेफिनेशन की बात करो तो पर्सनल मैनेजमेंट के अलग अलग नाम है, लेबर मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन भी। पर अगर अपने राइटर्स की डेफिनेशन की बात करें तो एडविन प्रिपो की डेफिनेशन, पर्सनल मैनेजमेंट में पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, ये चार चीजें क्यों है? क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट पीछे मैनेजमेंट वर्ड है, तो मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। पर किसको? तो ब्रोकरमेंट यानी लाना, डेवलप करना, कॉम्पनसेट यानी उनको सैलरी देना, इंटीग्रेट करना सबको काम के लिए, काम मिलाना यानी मैच करके चलना, और मेंटेन करना उनको सेपरेट करना ह्यूमन रिसोर्सेज। सो एट द एंड ऑफ दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकॉम्प्लिश्ड। इसके लास्ट में क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम पूरे कर पाते। अब IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, तो पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है जो किसके साथ कनेक्टेड है? ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसी ह्यूमन रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे जिससे हम अंडरटेकिंग टू मेक देयर मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ एन अंडरटेकिंग, यानी पूरी तरह से वर्किंग उसको बराबर से इफेक्टिव उसको अपनाना के लिए हुआ। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका, इसमें आर्ट ऑफ अक्वायर, आर्ट क्यों बोला गया? एक तरीका होता है, मेथड होती है इसके लिए, राइट? हमारे अंदर की खूबी है वो कि कैसे अक्वायर किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा, किसको? कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, ऐसा वर्कफोर्स ना जो वर्कफोर्स हमारे लिए काम करे, लायक जिसको बोला जाता है, कॉम्पिटेंट काम, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कम्प्लीट कर पाए मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम इकोनॉमी के साथ, सस्ता और सबसे अच्छा। अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर, पर्सनल मैनेजमेंट इज दैट फेज ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स विद द इफेक्टिव कंट्रोल एंड यूज ऑफ मैन पावर एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ पावर, दूसरे कोई भी सोर्स ऑफ पावर से इसको अलग करना। दिस डेफिनेशन स्टेट्स दैट पर्सनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस थ्रू विच ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी मैनेज सो एज टू अचीव द इंडिविजुअल सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। कैसे किया जाएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है जिसमें इंडिविजुअल सोशल और ऑर्गेनाइज्ड उसको क्या करना है, राइट? अब डिस्कस फीचर्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। फॉलोइंग आर वेरियस फीचर्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मैनेजिंग पीपल एट वर्क। सो पहली बात को क्या लिखा है? लोगों को वर्क प्लेस के ऊपर मैनेज करना। पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एम्प्लॉइज इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों में, एंड it helps employees to develop their potentialities and capacities to the maximum possible level so that they can get satisfaction at their job. Job mein satisfaction mile aur apni potentiality aur capacity ko develop, ek capacity ko develop jitna tumhare andar ki khoobi hai usko bahar nikalo, isse aapko satisfaction mile. Phir ye inherent hota hai, yani matlab organization ke andar pehle se hi hota hai, because recruitment, selection aur development आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की ये सब हिस्से ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, एंड इट ट्राइज टू गेट विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज
सर थोड़े गए, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए अपने एम्प्लॉइज को तैयार करना। विलिंग कोऑपरेशन का मतलब क्या, वो अपनी मर्जी से तैयार होने चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अब देखो ये रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर 100% एमसीक्यू के अंदर है। एज वी नो दैट ड्यूरिंग लास्ट 2 डेकेड्स यानी 20 सालों में कंप्यूटराइज मशीन आर रिप्लेसिंग द ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स की जगह पे कंप्यूटर को लाया गया है इंडस्ट्री के अंदर, तो अब प्रोडक्शन जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है, तुम जैसे कंप्यूटर की की दबा दो उसके ऊपर, मतलब ह्यूमन के ऊपर डिपेंड तो करता है बराबर ना। अब देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्स आल्सो रिक्वायर्ड, देखो तो भी क्या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कंप्यूटर चलाने की। अब प्रोटेक्टर ऑफ एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, प्रोटेक्टर का मतलब क्या, पर्सनल मैनेजर है वो तुम्हारे लिए काम करता है, मतलब एम्प्लॉइज के लिए काम करता है, वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की बात करता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी ला, इसका मतलब जितनी भी पॉलिसीज है ना वो ऐसी बनाएगा कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन में बार बार स्पाइक ना, ऑर्गेनाइजेशन का काम बराबर से चलता रहे। सोशली और ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में लेबर को ह्यूमन बींग समझा जाता है, इंसान समझा जाता है, ऐसा नहीं कि काम करने की मशीन की तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। तो मैनेजमेंट हमेशा प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है अपने लेबरर्स को। म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। कभी भी इन्हें या लिखा है देखो सुपीरियर फादरली टाइप अप्रोच ये नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारा बाप हूँ ऐसा उसको जताना नहीं है, मैनेजर को हमेशा एम्प्लॉइज के साथ जताना नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर है ऐसा। फिर स्टेइंग कॉम्पिटिटिव, द पर्सनल मैनेजर इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉइज एंड नेसेसरी रिसोर्सेज टू मेक देम डेवलप देम अप स्टेज स्टेज यानी अबाउट देयर जॉब, यानी उनको क्या ट्रेनिंग दे देगी, उनको ऐसा अप टू डेट रखना है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करे। अब देखो फॉर दिस मैनेजमेंट शुड मेक फॉलोइंग प्रोविजंस, प्रोविजन ऑफ ऑन साइट लाइब्रेरी, पहले तो लाइब्रेरी, एनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन ऑन सब्सिडाइज्ड ट्यूशन कॉस्ट, एम्प्लॉइज को एनकरेज करना है कैसे, ट्यूशन कॉस्ट यानी मतलब पढ़ाई के लिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए अगर कोई दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें कम पैसे में ट्रेनिंग है। फिर मोटिवेशन, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज टू अटेंड सेमिनार्स एंड क्लासेस, मोटिवेट करेंगे तुम भी सेमिनार्स को अटेंड करो। एज ए रिजल्ट द कंपनी कैन अडॉप्ट द चेंजेस वेरी क्विकली एज वेल एज इंप्लीमेंट द कंपटीशन, कंपनी आगे रहती है हमेशा कंपटीशन। अब रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को संभाल के रखना अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो चले नहीं जाने चाहिए राइट। तो यहाँ देखो लिखा है कॉम्पिटेटिव पे प्लान, ऐसा पे प्लान की जो पूरी इंडस्ट्री में सरका सरका चलते देते हैं वही हमको भी देना है पगार की बात करो। फिर अट्रैक्टिव बेनिफिट्स पैकेज टू रिटेन द एम्प्लॉइज और अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करना एम्प्लॉइज को। फिर आता है उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए एम्प्लॉय को करियर में आगे यानी प्रमोशन देना। इंटरएक्टिव रिव्यू प्रोसेस बाय द डिपार्टमेंटल मैनेजर, बार बार रिव्यू करा करो डिपार्टमेंटल मैनेजर को रिव्यू करता रहता है, एज ए रिजल्ट द एम्प्लॉइज कैन डेवलप मैक्सिमम पोटेंशियल एंड दे कैन वर्क विद हायर मोटिव, दिस विल इंक्रीज द रिटेंशन रेट। इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहो यानी मतलब भाग नहीं जाओगे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नौकरी छोड़। अब टीम वर्क, इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन द कंपनी एंड एम्प्लॉइज, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में अपने बॉन्ड यानी कि मजबूत जोड़ होना चाहिए, ऐसा जोड़ नहीं कि ऐसा ना लगे कि टीम के अलग हिस्से हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि टीम वर्क का मतलब साथ में सीखेंगे, अपनी एबिलिटी पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद में हमारा स्ट्रॉन्गर पर्सनल नेटवर्क एक दूसरे के साथ ग्रुप में मिलकर काम करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरे के रोल को रिस्पेक्ट करना, दूसरे के काम को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे और हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सॉलिड यानी एक बांध के रखने वाला बनाएंगे। अब मैनेजरियल इफेक्टिवनेस आता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉइज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच। कारण क्या है कि हम नॉर्मली होता क्या है एम्प्लॉय को डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से, तो इससे अच्छा टीम वर्क मिलता है, साथ में उनको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गारंटी है उनको क्या काम करना है और हमेशा वो क्या करेंगे अपने काम के अंदर वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट रखेंगे, मतलब वो हमेशा दिल से काम करेंगे। अब फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजर बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन फंक्शन आते हैं, एक तो मैनेजरियल फंक्शन और दूसरे ऑपरेटिंग फंक्शन। अब मैनेजरियल फंक्शन में वही है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग,
पूछा ऐसे। चलो प्लानिंग है, प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग मीन्स डिटर्मिनेशन इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना एडवांस में। पर्सनल मैनेजमेंट व्यू पॉइंट ऑफ प्लानिंग मीन्स डिसाइड वेल इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? प्लानिंग का मतलब तो एडवांस में डिसाइड करना ही होता है, पर पर्सनल प्रोग्राम में क्या डिसाइड करना कि कितने मेन पावर की रिक्वायरमेंट है, मेन पावर कहाँ से आएगा और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये डिसाइड करेंगे। तो प्लानिंग हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है? थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले कोई भी काम करने से पहले सोचो, फिर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर डिजाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब स्ट्रक्चर होता है। पर अब अपने इसके अंदर बात करें, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर यानी पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें, क्या होता है, अपने अलग अलग जॉब का लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन से काम अपने करने हैं, और एम्प्लॉय को अपने राइट जगह पे प्लेसमेंट देंगे। फिर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स करेंगे, कौन क्या काम करेगा उसके बारे में। ऑथोरिटी डेलीगेट करेंगे, बैलेंस करेंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी, यानी जवाबदारी और तुम्हारी सत्ता यानी पावर दोनों के बैलेंस में होने। एंड फाइनली डिटरमाइनिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप ने जिसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में अच्छा रिलेशन बने। फिर आता है उसके बाद में डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्ट मोड ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को डायरेक्ट करना आता है। इसमें लीडिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, अपने लीडर बनते हैं, अपने गाइड बनते हैं या उनको मोटिवेट करने वाले मोटिवेटर बनते हैं। अब डायरेक्टिंग यहाँ पे कैसा, तो सबॉर्डिनेट को सिखाया जाएगा कि काम कैसे करना है, कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, को ऑर्डर्स दिए जाते हैं और उनको गाइडेंस दिए जाते हैं, साथ में मोटिवेट किया जाता है लीडरशिप की क्वालिटीज और साथ में कम्युनिकेट करते हैं। फिर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, बैलेंसिंग टाइमिंग एंड इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस एम्प्लॉइज, इट मींस मेकिंग कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करना। और कंट्रोलिंग का मतलब तुम प्लान के मुताबिक काम करते हो कि नहीं वो देखना, इसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। इसमें क्या आता है, पहले तो मेजर करेंगे एंड कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में, जितना किया वो और जो करना था वो कंपेयर करेंगे। अगर इसमें कोई भी वेरिएशन यानी कोई तफावत दिखता है उसको ढूंढेंगे, और उस वेरिएशन के कारण क्या है वो ढूंढेंगे, फिर उसके बाद में उस वेरिएशन या तो डेविएशन को दूर करने की ट्राई करेंगे। एंड फाइनली अगर प्लान में एडजस्टमेंट की जरूरत है तो प्लान में भी एडजस्टमेंट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा एम्प्लॉयज गलत हो, कई बार प्लान भी गलत होता है, प्लान के अंदर एडजस्टमेंट करने का जरूर, प्लान के अंदर भी। ऑपरेटिव फंक्शंस आर आल्सो कंसीडर्ड एज सर्विस फंक्शन। ये सर्विस फंक्शन यानी डे टू डे कैरेक्टर के, ये बहुत इजी। प्रोक्योरमेंट का मतलब राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉय, राइट टाइम के अंदर मिलना चाहिए और अलग अलग जॉब के लिए मिल जाना चाहिए। इसका मतलब मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट, ये सब इसमें आते हैं। इसमें सबसे पहले देखें मेन पावर प्लानिंग, इसमें पहला मेन पावर प्लानिंग। मेन पावर प्लानिंग यानी कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी। क्वालिटी का मतलब डिग्री कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी यानी कितने लोग चाहिए, ये दोनों के बारे में सोचना है। तो एम्प्लॉयज पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कम्प्लीट करेंगे, पर कैसे कम्प्लीट करेंगे, किस तरह के एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड चाहिए या अनस्किल्ड चाहिए और कब चाहिए, व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको देखने पड़ेंगे। फिर रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ सर्चिंग बिना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को तुम्हारे अंदर काम करने के लिए अप्लाई करे, स्टिप्यूलेट करना मतलब उनको एनकरेज करना अप्लाई करने के लिए, तुम्हारी जॉब के लिए अप्लाई करो। फिर सिलेक्शन यानी क्या, सिलेक्शन मीन्स जजिंग द सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स, सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन, सबसे अच्छा पर्सन है उसमें से सिलेक्ट करना। देखो पर हमें खाली एप्लीकेशन आती है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन में उस एप्लीकेशन में से सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करना, तो सिलेक्शन को अपने नेगेटिव प्रोसेस का, तो उसमें से अपने बहुत सारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव हो गया। फिर प्लेसमेंट, जो सही आदमी है उसको सही जगह पे अपने प्लेस करेंगे, मतलब उनको सही जगह पे काम पे रखेंगे जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कम्प्लीट हो जाए। फिर जिसको काम पे रखा उसका इंडक्शन चाहिए, इंडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन, एम्प्लॉयज को समझाना कि वो उनको लगे कि घर के अंदर है, वो फील एट होम और वो वर्क कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर पाए। देखो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एफिशिएंसी को ट्रेनिंग से और डेवलपमेंट के प्रोग्राम से
सुधारना, यानी एम्प्लॉय को जब जब जरूरत पड़े तब ट्रेनिंग देना आता है। इसमें कौन कौन से, इसमें वापस देखो, ये पहला फंक्शन खत्म हुआ, दूसरे में यहाँ पे देखो पहला आया परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज अलग अलग व्यू पॉइंट से उसको देखना है। फिर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्किल ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब इफेक्ट, पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए अपने क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस एंड एक्सेट्रा आर कंडक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रोफाइल पर्सन। इसके लिए सेमिनार कॉन्फ्रेंस और वो सब अपने इसके लिए होते हैं, हाई प्रोफाइल पर्सन एकदम टॉप लेवल के स्टाफ मेंबर्स होते हैं। फिर कॉम्पनसेशन थर्ड फंक्शन आता है, तो दूसरा फंक्शन खत्म हुआ टीम के साथ। कॉम्पनसेशन यानी उनको अच्छा रेम्यूनरेशन देना, फेयर एंड इक्विटेबल एक जैसा मिलना चाहिए। पर्सनल मैनेजर मस्ट डिटरमाइन प्रॉपर रेम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, रिस्क इन्वॉल्व इन द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। अब कॉम्पनसेशन इंक्लूड्स, कॉम्पनसेशन में क्या क्या आता है, जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्ट्रीब्यूशन। जॉब क्लासिफिकेशन मतलब कितने जॉब है उसको क्लासीफाई करो, जॉब एनालिसिस के अंदर क्या आता है, तुम जॉब को चेक करो कि उसमें कैसे लोगों की जरूरत है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हारे पास कितना स्टाफ अवेलेबल है उसके बीच में। अब इसमें वेज प्लान, पॉलिसी और स्ट्रक्चर, ये तीनों डिसाइड करो। अब डिसाइड सुटेबल वेज पेमेंट सिस्टम, अच्छी पेमेंट सिस्टम एंड फाइनली डिसाइड अदर फैसिलिटीज, यानी मतलब अगर उनको हाउस रेंट भी देना है, घर का भाड़ा कंपनी दे, जाने आने का खर्चा कंपनी दे, मेडिकल फैसिलिटी कंपनी दे, इसको है ना फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। एंड टू प्रिपेयर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, इसको बोनस बोला जाता है। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप को साथ में लेके काम करना, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना सबको, राइट, सबको रिकनसाइल करना, यानी सबके इंटरेस्ट बराबर से बरकरार रहे, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, सब फायदे में रहे वैसा। तो दिस पर्पस पर्सनल मैनेजमेंट मस्ट कंसीडर नीड्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉय, सैटिस्फाई देयर नीड्स एंड रिमूव देयर ग्रीवेंस, टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस एंड इंप्रूव लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। कैसे किया जाएगा, यहाँ पे देखो ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब जितनी भी परेशानियां है सारी परेशानियां, अगर उनकी जरूरत है उनको पूछा करो, अगर उसको टाइम पे हटाया नहीं जाता, कई बार तो क्या झगड़े होते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना पड़ता है, तो इससे लेबर और मैनेजमेंट के बीच का रिलेशन अच्छा होता है। वो भी कैसे, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या, मैनेजमेंट और लेबर एक टेबल पे बैठ के बात करेंगे और दोनों में से किसी का भी नुकसान ना हो, कोई फायदे में रहे, ऐसा कोई बीच वाला रास्ता ढूंढना, उसको अपने कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब मेंटेन करना उसके बाद वाला फंक्शन है पांचवा, देखो इंटीग्रेशन के बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब उनको मेंटेन करना, यानी मेंटेन द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क, काम करना उनके लिए सही होना चाहिए, मतलब वो कंपनी को छोड़ के चले ना जाए, छोटी छोटी बातों में ऐसा होता है कई बार, तो इसलिए हमको इफेक्टिव वर्क फोर्स में रखना। मेंटेन द एबिलिटी टू वर्क में सेफ और बेटर कंडीशन अपने देनी पड़ेगी, हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स देने पड़ेंगे, मतलब आपको अच्छे एनवायरमेंट में काम करवाना पड़ेगा, अगर डेंजरस एरिया में काम कर रहे हो सूट पहनाने पड़े, हेलमेट देनी पड़े, इसमें वेंटिलेशन आता है, प्रॉपर लाइटिंग, फ्रिज रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सब इसमें, जिम खाना है, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। टू मेंटेन विलिंगनेस टू वर्क अमंग द एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट मस्ट अंडरटेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड काउंसिलिंग। तो अपने यहाँ पे क्या करना है, विलिंगनेस टू वर्क के अंदर काम करने की तमन्ना डेवलप होनी चाहिए, सर काउंसलिंग से उनके बात करानी। फिर सेपरेशन, निकाल देना, इट इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ और एनी सच रीजंस। इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट ही रिटायर्ड, द रिटायर्ड एम्प्लॉयज आर एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ वन इवन आफ्टर हिज सेपरेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में उसको निकाला भी जाए तो भी वो अपने निकालना, यानी मतलब ऐसा नहीं रिटायरमेंट के बाद निकल जाए, उसके बाद में उसको इतना पैसा तो मिले जिससे बाकी जिंदगी बराबर से गुजार पाए।
तो इसके लिए प्रोविडेंट फंड और पेंशन के प्लान्स बनाते हैं। अब देखो स्कोप ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, स्कोप का मतलब वो कितनी चीजों को कवर करता है, उसमें क्या क्या बातें आ जाती है। अब यहाँ लिखा है कि फॉर्मल यानी पहले जो स्कोप था वो बहुत इंडिविजुअल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस खुद ऑनर होता था, वो टाइम मालिक खुद ही होता था, लेकिन अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन मैन शो नहीं रहा। वन मैन शो का मतलब एक अकेला इंसान, प्रोपराइटर मैनेजर वर्कर सब एक ही है, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या बिजनेस की साइज बढ़ चुकी है, दूसरा बिजनेस का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है। कारण क्या कि मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हुई और साथ में नई नई मैनेजमेंट की टेक्निक्स हमारे सामने आ गई, और साथ में देयर हैज बीन अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ लेबर, लेबर और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे को अलग समझने लगे, पहले जैसा नहीं है। और मैनेजमेंट स्टार्टेड कंसीडरिंग एम्प्लॉइज एज पार्टनर्स इन डे टू डे वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन स्लेव्स, पहले मजदूर मानते थे उसको, गुलाम मानते थे एम्प्लॉइज को, अब ऐसा नहीं है, अब अपने एक दूसरे को पार्टनर मानते। Not only this, there has also been a change in emphasis and relative importance of various aspects of scope of personal management. For instance, record keeping, wage and salary administration, वो सब कम हो गए। अब खाली पगार को चेक करना हमारा काम नहीं आता, क्या करते हैं मैन पावर प्लानिंग, कितने लोग कब चाहिए, कौन से टाइम पे चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, सब डिसाइड कर। इसलिए देखो कौन कौन सी चीजें अब इंक्लूड होती है, रिकॉर्ड कीपिंग एंड जॉब इवैल्यूएशन। अब जॉब इवैल्यूएशन मतलब काम को चेक करना, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब काम जो है तुमने बराबर से किया कि नहीं उसको चेक करना, फिर वेजेस सर्वे एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वेज का सर्वे करवाना तो मतलब ये होता है कि उसमें तो वेजेस दे रहे हो अपने वर्कर्स को, वो बराबर है कि नहीं वो चेक करना, फिर बाद में सॉरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वर्कर्स को एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, रिमूवल ऑफ ग्रीवेंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, अगर उनको परेशानी है तो परेशानी को दूर करना, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। एक तो द लेबर एंड पर्सनल एस्पेक्ट, दिस इंक्लूड्स मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कितनी चीजें आपकी लेबर एस्पेक्ट में क्या क्या आता है ये सबको कवर कर लेता है, बराबर। एक तो मैन पावर प्लानिंग कितने लोगों की जरूरत है, फिर यानी एप्लीकेशन के पास से उसमें से सिलेक्ट करो, फिर उसमें से सही आदमी को सही जगह पे प्लेस करो, फिर उनको इंट्रोडक्शन दो बिजनेस का, फिर जरूरत पड़े तो ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, टर्मिनेशन, काम से निकाल देना उसको टर्मिनेशन बोलते हैं, फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करो, डे ऑफ, डे ऑफ यानी काम से निकालना नहीं, काम है ही नहीं तो इसलिए 50% सैलरी पे एम्प्लॉय को रखते हैं, आधा पगार मिले। एंड रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या, वो खुद काम काम नहीं है उनको हमेशा के लिए निकाल, काम नहीं है इसलिए निकाला तो उसको ट्रीटमेंट, टर्मिनेशन का मतलब काम तो है लेकिन तुमने कुछ गलत किया इसलिए तुमको निकाला। फिर वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी एंड सो ऑन। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं वो सब, इंसेंटिव का मतलब भी वही। फिर वेलफेयर एस्पेक्ट यानी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए वर्किंग कंडीशन, एमिनिटीज यानी फैसिलिटीज अच्छी मिलनी चाहिए जिसमें कैंटीन, फिर रेस्ट रूम, लंच रूम, देखो क्रीशिस लगे तो ई ऐसे दिखो, यस ये फ्रेंच वर्ड है। फिर लंच रूम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल एंड मेडिकल, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिक्रिएशनल फैसिलिटी एंड कल्चरल फैसिलिटीज, सब तरह की यानी वेलफेयर एस्पेक्ट में क्या, पैसा नहीं देना, फैसिलिटीज देनी, पर ऐसी फैसिलिटीज जो शांति उनके मन को दे दे, सुकून दे ऐसा। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट यानी एम्प्लॉयज के साथ में अच्छे रिलेशन, यूनियन को मैनेज करना बराबर से, जॉइंट कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मतलब सबको मिला के किसी काम में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको जॉइंट कंसोल करना, कंसोल करना मतलब मनाना, नेगोशिएशन बातचीत करना, कलेक्टिव बार्गेन दोनों का फायदा वैसी बात करना, ग्रीवेंस हैंडलिंग कोई परेशानी हो तो उसको दूर करना, डिसिप्लिनरी एक्शन अगर कोई बराबर काम नहीं करता तो उसको काम से निकालना, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, एमिकेबल यानी फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, एमिकेबल यानी फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड सो ऑन। स्ट्रॉस एंड स्टाइसेस हैव इंक्लूडेड द फॉलोइंग फंक्शंस इन इट्स स्कोप, एक तो रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, एनालिसिस, description and evaluation of the work, compensation schemes, then keeping records of personnel, इतनी चीजों को किसने
याद रखना है, ये एमसीक्यू में आएगा, इसमें से कौन सी चीज को इंक्लूड किया नहीं है ऐसा वाला। स्पेशल सर्विस में क्या आता है, सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल, फिर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, लेबर रिलेशन एंड पर्सनल अप्रेजल एंड लेबर। पर्सनल अप्रेजल का मतलब मैं आगे भी समझा दूंगा, काम बराबर किया कि नहीं को देखना, और ना किया हो तो उसका डेवलपमेंट करना। दस स्कोप ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज वेरी वाइड एंड इट इज नॉट ओनली टू इंडस्ट्री एंड बिजनेस बट इट्स इंपॉर्टेंस इज इक्वली एक्सटेंडेड ओवर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर कमर्शियल रिलीजियस सोशल और पॉलिटिकल। ये पर्सनल मैनेजमेंट एक जगह नहीं, हर जगह काम, जहां पे आदमी काम करेगा ना वहां पे पर्सनल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके okay?